नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है कौन सा आविष्कार किस वैज्ञानिक ने कब किया और कौन सा वैज्ञानिक कहाँ से रिलेटेड था। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी आविष्कारों को मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टॉपिक में से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो एसी मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने 1888 में यूएस में किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो साइकिल का आविष्कार के मैकमिलन ने 1839 में स्कॉटलैंड में किया था। इलेक्ट्रिक मैग्नेट का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टार्जन ने 1824 में ब्रिटेन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1834 में ब्रिटेन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो कटाई मशीन का आविष्कार सैमुअल क्रोम्पटन ने 1779 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार का आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किसने किया? तो कार आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार सैमुअल ब्राउन ने किया 1826 में, और ये ब्रिटेन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, कार वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो कार में वाष्प इंजन का आविष्कार निकोलस कुगनॉट ने 1769 में फ्रांस में किया। कारपेट स्वीपर जो आपने देखा होगा, जिसको आप वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जानते हैं, तो कारपेट स्वीपर का आविष्कार किसने किया? तो मेलविल बिसेल ने 1876 में यूएसए में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन पेपर का आविष्कार, आपने बचपन में स्कूल वगैरह में कार्बन पेपर काफ़ी यूज़ किया होगा, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया? तो वेज वुड ने 1806 में इंग्लैंड में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया? तो कार्बोरेटर का आविष्कार जी डैमलर ने 1876 में जर्मनी में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणों का आविष्कार किसने किया? तो कॉस्मिक किरणों का आविष्कार विक्टर हेस ने 1912 में ऑस्ट्रिया में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बोस ने 1928 में भारत में क्रेस्कोग्राफ का विकास किया या आविष्कार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने 1735 में जर्मनी में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायरो कंपास का आविष्कार किसने किया? तो गायरो कंपास का आविष्कार अल्पर स्पेरी ने 1911 में यूएस में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीगर काउंटर का आविष्कार किसने किया? तो हैंस गीगर ने 1913 में जर्मनी में गीगर काउंटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने वर्ष 1834 में फ्रांस में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, गैस फायर का आविष्कार किसने किया? तो गैस फायर का आविष्कार फिलिप लेबन ने 1799 में फ्रांस में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस लाइटिंग का आविष्कार किसने किया? तो गैस लाइटिंग का आविष्कार विलियम मर्डॉक ने 1792 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों की खोज किसने की? तो ग्रहों की खोज केपलर ने 1601 में जर्मनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामोफोन का आविष्कार, तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन ने 1878 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया? तो ग्लाइडर का आविष्कार जॉर्ज केले ने 1853 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1656 में नीदरलैंड में पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया। यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो आई सिंह और लियोन सेन ने 1725 में चीन में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलरोधी रबर बनाने की खोज किसने की? तो जलरोधी रबर बनाने की खोज चार्ल्स
मैकिंटॉस ने ब्रिटेन में 1823 में की। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रैंक हिटल ने 1937 में ब्रिटेन में जेट इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो टाइपराइटर का आविष्कार पहले ग्रीन टेरी ने 1808 में इटली में टाइपराइटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, टायर रबर बनाने की खोज किसने की? तो टायर रबर बनाने की खोज थॉमस हॉनकॉक ने ब्रिटेन में वर्ष 1846 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरी लीन का आविष्कार किसने किया? तो टेरी लीन का आविष्कार विनफील्ड व डिक्सन ने 1941 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीग्राफ यांत्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो यांत्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार जो है एम लेमान ने वर्ष 1787 में फ्रांस में किया। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राफ कोड का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने 1837 में यूएस में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने 1876 में यूएसए में टेलीफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार टेलर फॉर्सनवर्थ ने 1927 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल बेयर्ड ने वर्ष 1926 में ब्रिटेन में यांत्रिक टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डीन ने विलियम शॉकले और वॉल्टर वर्टन ने 1948 में यूएसए में इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार माइकल फेराडे ने 1831 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फॉर्मिच ने वर्ष 1892 में यूएसए में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे ने 1831 में इंग्लैंड में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया? तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार एफ लेचेस्टर ने 1902 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने 1895 में जर्मनी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया? डीसी मोटर का आविष्कार जेनोवे ग्रामे ने वर्ष 1873 में बेल्जियम में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया? तो डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथनी प्लेटसन ने वर्ष 1817 में यूएसए में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? तो डेवार ने वर्ष 1714 में 1714 में यूएसए में थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थर्मामीटर का आविष्कार डैनियल गैब्रियल ने फॉरेनहाइट ने वर्ष 1714 में जर्मनी में किया। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने वर्ष 1593 में इटली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वॉलेस कैरायर्स ने सन 1937 में अमेरिका में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं, नियोन लैम्प का आविष्कार, तो नियोन लैम्प का आविष्कार जॉर्ज क्लाइड ने वर्ष 1910 में फ्रांस में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1910 फ्रांस में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुसलेन ने वर्ष 1776 में यूएसए में किया। पॉकिक मीटर का आविष्कार किसने किया? तो कार्लटन मैगी ने 1935 में पॉकिक मीटर का आविष्कार किया, जो कि यूएसए में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चरीकरण का आविष्कार किसने किया? तो लुई पाश्चर ने फ्रांस में 1867 में पाश्चरीकरण का आविष्कार किया। पेट्रोल कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने 1885 में जर्मनी में पेट्रोल कार का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इंग्लैंड में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर का आविष्कार मूलबेरी फाइबर वाला चीन में किया गया।
पैरासूट का आविष्कार जीन पियरे क्लांचार्ड ने 1795 में फ्रांस में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के दूध से रबर बनाने की खोज डनलप रबर कंपनी ने ब्रिटेन में वर्ष 1928 में की। पौधे के दूध से रबर बनाने की खोज डनलप रबर कंपनी ने ब्रिटेन में वर्ष 1928 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग का आविष्कार फिजियाऊ ने वर्ष 1902 में इंग्लैंड में किया। क्या हो जाएगा? 1902 में इंग्लैंड में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस पेपिन ने वर्ष 1679 में इंग्लैंड में प्रेशर कुकर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपलर यानी कि जलयान का आविष्कार किसने किया? तो जलयान का आविष्कार फ्रांसिस स्मिथ ने वर्ष 1837 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर पार्कस ने वर्ष 1862 में ब्रिटेन में प्लास्टिक का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने वर्ष 1884 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्म का आविष्कार किसने किया? तो लुई ली प्रिंस ने 1855 में यूएसए में फिल्म मूक चलचित्र का आविष्कार किया। फिल्म वॉक चलचित्र मतलब जिसमें आवाज आती हो, बातें सुनाई देती हो, जो भी फिल्म में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया? जे मुसोली व हैंस वॉगट ने 1922 में जर्मनी में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो डेवी स्वान और थॉमस एडिशन ने वर्ष 1878 में किया। साइकिल के टायर का आविष्कार किसने किया? तो जॉन डनलप ने वर्ष 1888 में ब्रिटेन में साइकिल के टायर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्ष 1780 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनसन बर्नर का आविष्कार किसने किया? तो बुनसन बर्नर का आविष्कार रॉबर्ट बुनसन ने 1855 में जर्मनी में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर सैली ने वर्ष 1644 में इटली में किया। अगला क्वेश्चन, मशीन गन का आविष्कार किसने किया? तो मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल ने 1718 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एम ई हॉफ ने 1971 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने 1876 में यूएसए में माइक्रोफोन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोमीटर का आविष्कार विलियम कोजीन ने 1636 में ब्रिटेन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने 1519 में नीदरलैंड में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? तो मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डैमलर ने वर्ष 1885 में जर्मनी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? तो यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार एलिजा ओटिस ने 1852 में यूएसए में किया। जिस लिफ्ट में आप बिल्डिंग में चढ़ते उतरते हैं, उस लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने किया। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने स्कॉटलैंड में 1930 में किया। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग जो करते हैं, तो लॉन्ग प्लेइंग की खोज किसने की? तो डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने यूएसए में 1948 में रिकॉर्ड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवॉल्वर की खोज किसने की या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो 1935 में सैमुअल कोल्ट ने यूएसए में रिवॉल्वर का आविष्कार किया। विद्युत रेजर जो हम शेविंग करते हैं, तो विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत रेजर का आविष्कार जैकेब शिक ने वर्ष 1931 में यूएसए में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो बार्बर की शॉप पर यूज होती है, तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो किंग जिलेट ने वर्ष 1850 में यूएसए में किया। तो इसीलिए आपने देखा होगा सेफ्टी रेजर जिलेट के नाम से भी आती है। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने 1901 में इटली में रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किया।
अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार तो ये जो है डेविड एडवर्ड ह्यूज ने वर्ष 1879 में ब्रिटेन में किया, तो रेडियो टेलीग्राफी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को एक बार कंफर्म कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन और टिनिंग ने यूएसए में 1850 में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, लंड्रीट का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज कैड्रेल ने वर्ष 1934 में यूएसए में किया। लाइटिंग कंडक्टर जो होता है, लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1737 में यूएसए में किया। लाउड स्पीकर का आविष्कार, तो लाउड स्पीकर का आविष्कार हॉरेस शॉर्ट ने वर्ष 1900 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनोलियम का आविष्कार किसने किया, तो फ्रेडरिक बॉल्ट ने वर्ष 1860 में ब्रिटेन में लिनोलियम का आविष्कार किया। लेजर का आविष्कार किसने किया, तो थियोडर मेमेन ने 1960 में यूएसए में लेजर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोमोटिव रेल का लोकोमोटिव का आविष्कार किसने किया, तो रिचर्ड ट्रैकिथिक ने वर्ष 1804 में ब्रिटेन में किया। वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया, तो हॉर्ले मिशन कंपनी ने वर्ष 1907 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया, तो हीलर ने वर्ष 1776 में यूएसए में विद्युत पंखे का आविष्कार किया। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो अलेसाड्रा वोल्टा ने 1800 में इटली में विद्युत बैटरी का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग मशीन जो कि विद्युत से चलती है उसका आविष्कार किसने किया, तो एलिजा थॉमसन ने 1877 में यूएसए में वेल्डिंग मशीन जो कि विद्युत से चलती है उसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, संगीत युक्त फिल्म का आविष्कार किसने किया, तो ली डी फॉरेस्ट ने वर्ष 1923 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लाइड पैमाने का आविष्कार किसने किया, तो स्लाइड पैमाने का आविष्कार विलियम ओफेडरेट ने वर्ष 1621 में ब्रिटेन में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने वर्ष 1931 में यूएसए में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेमा का आविष्कार किसने किया, तो सिनेमा का आविष्कार लाउस निकोलस और लाउस लुमियारी ने 1895 में फ्रांस में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट जो कि पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका आविष्कार किसने किया, तो जोसेफ अरग डीन ने वर्ष 1824 में ब्रिटेन में सीमेंट का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार किसने किया, तो एच के ओनेस ने वर्ष 1911 में नीदरलैंड में सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार किया। सेफ्टी पिन की बात कर लेते हैं, तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया, तो वॉल्टर हंट ने 1849 में यूएसए में सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। सेफ्टी मैच का आविष्कार किसने किया, जो आप माचिस की डिब्बी यूज करते हैं, तो जॉन वॉकर ने 1826 में ब्रिटेन में सेफ्टी मैच बॉक्स का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने वर्ष 1816 में ब्रिटेन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलाइट का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर पार्क ने वर्ष 1861 में ब्रिटेन में सेलुलाइट का आविष्कार किया। सौर मंडल की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने 1540 में पोलैंड में सौर मंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, स्काई स्क्रैपर का आविष्कार किसने किया, तो विलियम जेनी ने 1882 में यूएसए में स्काई स्क्रैपर का आविष्कार किया। स्कूटर की खोज किसने की, तो जी ब्रॉडशॉ ने 1919 में ब्रिटेन में स्कूटर की खोज की। स्टीम इंजन की खोज किसने की, कंडेंसर जो स्टीम इंजन का होता है उसका आविष्कार जेम्स वॉट ने वर्ष 1769 में स्कॉटलैंड में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिस्टन वाले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, तो धॉम न्यू कोमैन ने 1712 में ब्रिटेन में पिस्टन वाले स्टीम इंजन का आविष्कार किया। स्टील का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी बेसेमर प्रक्रम से स्टील को आपने सुना भी होगा, तो स्टील का आविष्कार किसने किया, हेनरी बेसेमर ने 1855 में ब्रिटेन में स्टील का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूपिक हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो लाउन वॉय और वीएन वेन्यू ने 1784 में फ्रांस में प्रारूपिक हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव चलित हेलीकॉप्टर, तो मानव चलित हेलीकॉप्टर का आविष्कार आर मम्फोर्ड ने 1905 में ब्रिटेन में किया। होर पीडो का आविष्कार किसने किया, तो रॉबर्ट वल ईट हेट ने 1866 से 1868 के बीच में ब्रिटेन में होर पीडो का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये थे आपके आविष्कार और आविष्कारक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए एक साथ सारे कवर करा दिए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेकिन आपके कवर हो गए। आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, सुनते सुनते भी याद कर सकते हो। 3-4 बार वीडियो को देखोगे अपने आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। प्लस पॉइंट ये है कि कौन सा आविष्कार कहाँ पर किया गया, कौन से सन में किया गया, किसके द्वारा किया गया, तीनों चीज़ें एक साथ मिल गई हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारी क्लास का लाइव टाइमिंग जो है, लाइव क्लास का टाइम टेबल ये कमेंट बॉक्स स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें क्योंकि हम पर डे आपके साथ में छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा एफर्ट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।